मेजबान बांग्लादेश भारत के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का आगाज करने जा रहा है। दोनों टीमों के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों के लिए दोनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे तमाम खिलाड़ी भारत के लिए इस सीरीज से वापसी करेंगे। वहीं कई युवा खिलाड़ियों जैसे कि राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों को भी इस सीरीज पर मौका दिया गया है। आपको बता दें कि भारत के लिए तमाम खिलाड़ियों की इंजरी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे तमाम खिलाड़ी इस सीरीज से पहले ही चोटिल हो गए हैं। वहीं इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज के लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। जहां एक और भारत इंजरीज से जूझ रहा है तो बांग्लादेश के लिए भी वही हाल बना हुआ है। बहरहाल पहले मुकाबले की बात करें तो शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका में ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें भारतीय समयानुसार 11:30 बजे रविवार 4 दिसंबर को आमने सामने होंगी। लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगा और दोनों टीमें ढाका से अपनी सीरीज का आगाज करेंगी। पिच रिपोर्ट की ओर नजर डालें तो शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम यानी कि ढाका का मैदान बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा इस पिच पर हल्का बाउंस भी देखा जाता है। तेज गेंदबाजों को इस पिच पर मदद मिलती है और कई बार स्विंग होती हुई गेंदें भी इस पिच पर देखी गई हैं। दोनों कप्तानों की बात करें तो टॉस जीतकर दोनों कप्तान पहले गेंदबाजी का निर्णय कर सकते हैं और चेज के लिए रुक कर सकते हैं। संभावित प्लेइंग 11 की ओर नजर डालें तो बांग्लादेश की टीम जो कि मेजबान होगी वह अनामुल हक, लिटन दास जो कि कप्तान होंगे, इसके अलावा शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, अफीफ हुसैन, महमूदुल्ला, नरुल हसन, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद और इबादत हसीन के साथ उतर सकती है। भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और मोहम्मद सिराज के साथ उतर सकती है। जिन खिलाड़ियों पर सभी की नजरें रहने वाली हैं बांग्लादेश के लिए वह लिटन दास, शकीबुल हसन के साथ साथ महमूदुल्ला, नरुल हसन और मेहदी हसन जैसे खिलाड़ी होंगे। इसके अलावा भारत के लिए न्यूजीलैंड दौरे की कप्तानी कर लौटे शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ श्रेयस अय्यर जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार रन बनाए, और साथ ही गेंदबाजी में दीपक चहर पर सभी की नजरें होंगी। क्या कुछ आपकी राय है इस मुकाबले को लेकर? आप कितना एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते हैं वन इंडिया। नमस्कार।